मॉर्निंग स्टूडेंट, आदर शिक्षा निकेतन हाई स्कूल बल्लभगढ़। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4 भी कराने जा रही हूँ। 1 to 4 सम आपको मैंने पहले करा दिए थे, आज 5th सम कराने जा रही हूँ। 5th सम है, अपनी बुक में अच्छे से पढ़ना, 4 and 12 आर द फैक्टर ऑफ 48। इसका मतलब है कि 48 के फैक्टर है 4 और 12। तो वो पूछ रहा है क्या इससे अलग भी इसके कोई फैक्टर है, यदि हाँ है तो कौन कौन से है, फाइंड द अदर फैक्टर, ये वो सम में पूछ रहा है। तो लिखेंगे यस, क्योंकि 48 के 4 और 12 से अदर भी फैक्टर हैं, क्योंकि केवल 4 और 12 से ही डिवाइड नहीं हो रहा 48, और भी डिजिट से डिवाइड हो रहा है, जैसे 6 से हो रहा है, 8 से हो रहा है। तो इसका मतलब इसके 4 और 12 के अलावा और भी फैक्टर्स हैं। तो लिखेंगे यस, 48 हैज अदर फैक्टर, हाँ 48 के अदर फैक्टर्स हैं। अदर फैक्टर आर कौन कौन से हैं, 1 में लिखा है उन्होंने, 1 है 48 का फैक्टर, 2, 3, 6, 8, 16 और 24, ये सब 48 के फैक्टर्स हैं अदर, इनसे अलावा 4 और 12 से अलावा। उसी तरह से सम नंबर नेक्स्ट है, राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ 15 और 15 का कॉमन फैक्टर, सेम फैक्टर बताओ कौन कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 15 और 19 क्या है, 1, 3, 5 और 15। ये कैसे निकाला, ऐसे कि 15 के फैक्टर कौन से हैं, 1, 3, 5 और 15। इसी तरह से 90 के क्या है, 1, 2, 3, 5, 15, 30, 45 और 90। अब इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हुए, ये तो 15 के हैं और ये सारे 19 के, 1 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, 5 कॉमन हो गया और 15 कॉमन हो गया। तो ये इसके कॉमन फैक्टर हैं। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 15 और 19 इक्वल टू 1, 3, 5 और 15। तो ये आपको एक्सरसाइज पूरी आगे भी सॉल्व करनी है, ये मैंने सम आपको करा दिए हैं। आगे जो सम है वो है 7th सम है, राइट द फॉलोइंग आर नॉट द फैक्टर ऑफ 36। जो ये नीचे जितने भी दिए हुए हैं इनमें हमें ये बताना कि 36 का फैक्टर कौन सा नहीं है। तो जो 36 को डिवाइड ना करे वो 36 का फैक्टर नहीं होगा 7th सम में। 8th सम में क्या है, इज द फर्स्ट नंबर फैक्टर ऑफ सेकंड, जो फर्स्ट नंबर है सेकंड का फैक्टर है, तो यदि फर्स्ट नंबर सेकंड को डिवाइड कर रहा है तो वो उसका फैक्टर है, यदि नहीं कर रहा है तो नहीं, यस और नो कर देना, ठीक है। और ये फिलअप मैं आपको फिल करके सेंड कर दूंगी। तो ये एक्सरसाइज आपको पूरी करनी है।